तो अगर तुम अंदर बैटरी वाले को देखोगे तो अंदर वाला जो है ना वो फैक्टराइज हो जाएगा, वन वन प्लस एक्स प्लस है एक्स इंटू स्क्वायर वन प्लस प्लस टू एक्स स्क्वायर वन होल रेस टू 11। मतलब ये एक तरीके से क्या बन गया, वन प्लस एक्स होल रेस टू 11 इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 11। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया कि इस सीरीज का एक्सपेंशन लिखा थोड़े टर्म्स तक और इस सीरीज का एक्सपेंशन लिखा थोड़े टर्म्स तक। तो देखो ये क्या आएगा, 11c0 प्लस 11c1 एक्स इसका लिख रहे हैं प्लस 11c2 एक्स स्क्वायर प्लस 11c3 एक्स क्यूब 11c4 एक्स रेस टू 4 एंड डॉट डॉट डॉट। हम लोग एक्स रेस टू 4 पे क्यों रुक गए, क्योंकि तो मेरे को एक्स रेस टू 4 का ही कोफिशियंट चाहिए था। अब ऐसे ही इसका एक्सपेंशन लिखा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11c0 प्लस 11c1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11c2 इंटू एक्स रेस टू 4, बस रुक गए। अब मेरा एम क्या है, मेरा एम है एक्स रेस टू 4 जनरेट करना। तो कभी भी जैसे तुम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो तो उसमें क्या होता है कि जैसे इस ब्रैकेट का एक टर्म और इस ब्रैकेट का एक टर्म मल्टीप्लाई होता है आपस में, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। कभी ऐसा होता है क्या कि दोनों ब्रैकेट्स के ही, दोनों सेम ब्रैकेट के ही टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए? नहीं। नो सर, ओके तो हम लोग को इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके देखना है कि एक्स रेस टू 4 कब कब बनेगा। तो देखो जब मैं 11c0 को इससे मल्टीप्लाई करूं 11c2 एक्स रेस टू 4 से, तब जाके एक्स रेस टू 4 बनेगा। तो एक तो एक्स रेस टू 4 के लिए कोफिशियंट क्या हो गया, 11c0 इंटू 11c2। अच्छा यहाँ पे 11c1 इंटू एक्स है, तो हम लोग इधर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इधर से हम लोग एक्स क्यूब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और यहाँ पे देखो अगर तुम देखोगे तो एक्स क्यूब कहीं भी नहीं है, मतलब यहाँ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा इसके वजह से। फिर इधर 11c2 एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ से भी एक्स स्क्वायर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ताकि ये और ये मल्टीप्लाई हो के एक्स रेस टू 4 बन जाए। इनका कोफिशियंट मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 11c2 इंटू 11c1। फिर 11c3 एक्स क्यूब है, तो मैं इधर एक्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँगा ताकि एक्स रेस टू 4 बन जाए, और इधर कहीं भी एक्स रेस टू 1 तो नहीं है, मतलब इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फिर इधर 11c4 एक्स रेस टू 4 है, तो वो जाके से इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो एक्स रेस टू 4 बन जाएगा। तो प्लस 11c4 इंटू 11c0। अब इसके आगे जो है एक्स की हायर पावर्स आएंगे तो वो एक्स रेस टू 4 तो कोई बना ही नहीं सकेंगे ना। तो यही जो है हमारा एक्स रेस टू 4 का कोफिशियंट होगा। अब तुम इवेल्युएट कर सकते हो, जैसे 11c01 होता है, 11c2 कैसे लिखेंगे, 11 इंटू 10 अपॉन 2। 11c2 मतलब 11 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 11c1 मतलब 11। तो वैसे ही 11c4 मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 होल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 11c0 इज वॉट 1। इसको इवेल्युएट कर लेना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी डाउट से डिस्कस कर रहे हैं, अभी कुछ और डिस्कस नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस किया।
सर एट्थ क्वेश्चन, हाँ एट्थ वाला। एट्थ वाला। देखो क्वेश्चन नंबर एट क्या है कि कोफिशियंट ऑफ P3R। और ये टेस्ट के क्वेश्चन है ना, हाँ टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ P R+2 इसमें इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x^2n। तो P3R का कोफिशियंट क्या होता, 2nC3R-1 एक कम होता है ना। हाँ सर, कोफिशियंट ऑफ R+2 क्या होता, 2nC R+1। अब दोनों के कोफिशियंट इक्वल है तो दोनों के हाँ सी वाले टर्म इक्वल है, ये कब होता है, जब इन दोनों का थ्री जो आर म्यूचुअल माइनस वन वाला इज है। हाँ इक्वल टू आर प्लस वन या फिर दोनों का एडिशन इक्वल टू 2n। तो सर मैंने दोनों एक्सपांड कर दिए थे, फिर मेरे को कैंसिलेशन नहीं हो रहा था। 4R = 2n, देयरफॉर n = 2R। मेरा भी सेम ही सेम सर। पहला वाला ऑप्शन ठीक है, मैंने और कौन सा एक्सपांड कर क्वेश्चन। दिए थे टू फैक्टोरियल। मैंने भी वही कर लिया। एक्सपेंड नहीं करना भाई, जब भी दो सी इक्वल हो तो उसके लिए क्या करना है, नीचे वालों का सम ऊपर वाले के बराबर करना। और आप ये वापस समझाओगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोफिशियंट ऑफ P3R इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ P R+2 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x^2n। तो T3R का कोफिशियंट क्या होता, 2nC3R-1 इससे एक कम, और T R+2 का कोफिशियंट क्या होता, 2nC R+1। तो दो सी इक्वल है, इसका मतलब नीचे वाले का सम ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। तो 3R-1 + R+1 = 2n, मतलब 4R = 2n, देयरफॉर n = 2R। ओके सर, सर इसका बायनोमियल कोएफिशिएंट भी मतलब वैसे होता है ना, कोएफिशिएंट इक्वल ही होता है ना। हाँ, यहाँ पे कोफिशियंट और बाइनोमियल कोफिशियंट दोनों सेम होते हैं इस केस में। सर ऊपर दोनों साइड 2n ना होके कोई और इक्वेशन होती तो अलग अलग। अगर यहाँ पे 2n और 2n दोनों साइड ना होता, हाँ सर दोनों नहीं, तब फिर हम साइड लोग, अलग। तब हम लोग इन दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर नहीं कर सकते थे, तब तुमको फिर दोनों को फैक्टोरियल फॉर्म में एक्सपेंड करना पड़ता, समझे। तो चलो आगे बढ़ा जाए। सर सेवेंथ क्वेश्चन, सेवन सेवेंथ क्वेश्चन देखो। सर आपने बहुत क्वेश्चन उससे डाले थे वो असाइनमेंट से। हाँ मॉड्स उसमें थे असाइनमेंट से असाइनमेंट टाइप के ही क्वेश्चन है एकदम। हाँ सर टाइप नहीं, क्वेश्चन भी वही थे। हाँ देखो फोर्थ टर्म जो है वो 5/2 है, क्वेश्चन में फोर्थ टर्म क्या है, 5/2, मतलब NC3 AX n-3 1/x^3 दैट इज इक्वल टू 5/2, समझे। सो NC3 a^n-3 इंटू एक्स, दो जगह आ रहे हैं, x^n-6
इज इक्वल टू 5 बाय 2। देखो यहाँ पे फोर्थ टर्म दिया हुआ है इसलिए मेरे को x भी लेना पड़ा। यस सर। ठीक है, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 5 बाय 2। अच्छा वैसे तो यहाँ पे 5 बाय 2 लिखा है, एक कांस्टेंट लिखा है, मतलब x तो लिखा नहीं है राइट हैंड साइड पे, तो इसका क्या मतलब हुआ होगा? इसका ये मतलब हुआ होगा कि x का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इट मींस कि जो x का पावर है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि x रेस टू जीरो वन होता है। x का पावर अगर जीरो के अलावा और कोई भी पावर तुम ले लो, वन ले लो, माइनस टू ले लो, तो x का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा ना। इसका मतलब कि n माइनस सिक्स शुड बी जीरो। फाइन, मतलब n की वैल्यू सिक्स आ गई। ओके, अब n की वैल्यू सिक्स पुट कर दी हम लोगों ने, 63 a रेस टू 6 माइनस 3 मतलब 3, दैट इज इक्वल टू 5 बाय 2। नाउ 63 इज व्हाट? 6 इनटू 5 इनटू 4 4 बाय 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू a क्यूब इज इक्वल टू 5 बाय 2। तो देखो 3 फैक्टोरियल और 6 कैंसिल हो गए, 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो a क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय 8, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो ये n की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई। ओके सर। ठीक है सर, किसी को कोई डाउट? हाँ सर, 6 वाला क्वेश्चन नंबर 6 वाला 24 6 वाला तो सिंपल सा है ना। देखो 1 माइनस x रेस टू n है, तो कोफिशियंट ऑफ टी आर पूछा है। तो देखो टी आर तुम कैसे लिखते हैं, एन सी आर माइनस वन। देखो 1 माइनस एक्स को मैं कैसे लिखता, 1 प्लस ऑफ माइनस एक्स होल रेस टू एन, माइनस एक्स होल रेस टू दिस पावर आर माइनस वन। इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, एन सी आर माइनस वन माइनस वन रेस टू आर माइनस वन इंटू एक्स रेस टू आर माइनस वन। ठीक है, तो अब कोफिशियंट पूछा गया है, कोफिशियंट मतलब जो कांस्टेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये वाली चीज, तो बस यही कोफिशियंट हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? अच्छा नहीं, आर एट टर्म पूछा है, ओ सॉरी कोफिशियंट नहीं पूछा, आर एट टर्म ही पूछा हुआ है। आर एट टर्म तो यही पूरा हो गया, पूरा होगा, ये पूरा हो गया, सी वाला ऑप्शन। और कौन सा क्वेश्चन? 14 24 एक मिनट, 14 देखो भाई, 14 इज अ नाइस क्वेश्चन। फोर्टीन है, 1 प्लस बी वाई होल रेस टू एन इज इक्वल टू 1 प्लस 8 वाई प्लस 24 वाई स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। तीनों कोफिशिएंट के सर, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनते हैं वाई सर। हाँ तो देखो इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दो टिल 3 टर्म, तो 1 प्लस एन सी वन इनटू बी वाई। सर ये मैंने टी आर वाला फॉर्मूला लगा के किया सेकंड और थर्ड, वो भी कर सकते हो, इनटू बी वाई का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और इधर भी ऐसे ही 1 प्लस 8 वाई प्लस 24 वाई स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब कंपेयर कराया हम लोगों ने, ठीक है, तो कंपेयर कराने के लिए क्या किया कि देखो y का कोफिशिएंट इधर 8 है और इधर y का कोफिशिएंट तुम्हारा क्या है, n c1 into b, और n c1 का क्या मतलब होता है, n होता है into b, that is equal to 8। इधर y square का कोफिशिएंट 24 है
और इधर जो है एन सी टू इंटू बी स्क्वायर होता, ठीक है, बी स्क्वायर एन सी टू इंटू बी स्क्वायर होता 24, समझे? यस सर। तो अब एन सी टू का क्या मतलब होता है, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब देखो शॉर्टर कैलकुलेशन के लिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, जैसे बी स्क्वायर है ना तो उसको बी इंटू बी लिख दो, एक बी इसको दे दिया और एक बी इस ब्रैकेट को दे दो, एन बी इंटू एन बी माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू 24। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ एन बी, इट इज 8, सो 8 8 माइनस बी बाय टू इज इक्वल टू 24, तो 8 माइनस बी की वैल्यू 6 आ गई, तो बी की वैल्यू 2 आ गई। सर आप ये ट्रिक वापस बता सकते हो? बी स्क्वायर को मैंने क्या किया, बी इंटू बी लिखा, एक बी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक बी इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। ओ समझा समझा। मैंने बी एन अलग करके वैल्यू डाला था। सर मैंने ऑप्शंस में से वैल्यू पुट करके गया। अच्छा तो यहाँ से बी की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर देना तो एन का वैल्यू 4 आ जाएगा, समझे? तो ये 14th हो गया। फिर 24 ये वापस समझाओ ना। ये मैंने देखो 1 प्लस बी वाई होल रेस टू एन को एक्सपेंड किया बाइनोमियली, तो वो क्या बनता, 1 प्लस एन सी वन इंटू बी वाई प्लस एन सी टू इंटू बी वाई का होल स्क्वायर, और इधर जो है 1 प्लस 8 वाई प्लस 24 वाई स्क्वायर। अब कोफिशियंट्स को कंपेयर कर दिया, जैसे इधर जो है वाई का कोफिशियंट 8 है और इधर जो है वाई का कोफिशियंट एन सी वन इंटू बी है, और एन सी वन तो एन के बराबर होता है, तो n इंटू बी क्या हो गया, 8 हो गया। इधर y स्क्वायर का कोफिशियंट 24 है और इधर y स्क्वायर का कोफिशियंट एन सी टू इंटू बी स्क्वायर है, तो एन सी टू इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया, 24। अब n सी टू का क्या मतलब होता है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल बाय द वे 2 ही होता है, इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब बी स्क्वायर का एक बी इस एन को दे दिया, एक बी इस एन को दे दिया, तो बन गया एन बी इंटू एन बी माइनस बी इज अपॉन टू इज इक्वल टू 24, और हम लोग को एन बी की वैल्यू पता है 8, सो 8 इंटू 8 माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू 24, तो इससे बी की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू के बाद एन की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देख लो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स रेस टू 4 होल रेस टू 11, इसमें तुमको एक्स रेस टू माइनस 26 चाहिए, आई थिंक इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो देखो इसको शॉर्टकट टेक्निक से भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया कॉमन, तो वो एक्स रेस टू 22 की तरह बाहर आया, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स रेस टू 6 होल अपॉन 11। अच्छा हम लोग को एक्स रेस टू माइनस 26 चाहिए, मतलब नीचे जो है 26 प्लस 22 1 by x raised to 48 चाहिए एक तरीके से, इससे 92, ठीक है, 1 by x raised to 48 चाहिए, इसका मतलब इसका पावर क्या करना पड़ेगा, होल रेस टू 8 करना पड़ेगा, मतलब r की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, 8, तो बस 11 c 8
इनटू माइनस टू रेस टू एट. पूछा क्या गया वैसे, कोफिशियंट पूछा गया, ये आ गया. अब 11C8 इवेल्युएट कर लेना. वैसे मुझे वो आंसर थोड़ा बिगड़ा रहता है, थोड़ा मिस्टेक आ रहा था. सर एक टू को इधर ले लो, फिर 330 into 2 raised to 7 आ रहा है. ऑप्शन नहीं है क्या? है तो सी वाला ऑप्शन है. सी वाला ऑप्शन. एक टू को मैंने इधर ले लिया, ठीक है, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया. तो 2 into 5 10 10 into 33. चलो अब पढ़ते हैं भाई, आधे घंटे से अपने यही कर रहे हैं. तो आई होप सबके डाउट्स हो गए होंगे. सब लोग जो है क्या कहते हैं, जो भी तुम लोग के डाउट्स थे या जो क्वेश्चन नहीं आए उसको सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है सर. वो 28 क्वेश्चन होने के बाद आपने कुछ नया बताया क्या? कौन सा क्वेश्चन होने के बाद? वो 28th क्वेश्चन हो गया ना उसके बाद? नहीं 20 अभी तो कौन सा कर रहे थे हम लोग, और कोई कर रहे थे ना सर जो आप भी कर रहे थे जस्ट वही. मैं डाउट्स ही करा रहा हूँ वैसे. क्लास चालू नहीं हुआ? नहीं अभी कुछ नया नहीं कराया, मैं डाउट्स करा रहा हूँ बस पेपर के, और कुछ नहीं कराया. अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है. तो शुरू किया जाए. तो आज का टॉपिक है नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. ये क्या है, टॉपिक का नाम है, या इसको नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स भी कहते हैं. ठीक है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ. अच्छा कंसेप्ट कोई नया नहीं है, कंसेप्ट वही है, जनरल टर्म निकालने वाला कंसेप्ट है, ठीक है. तो जैसे मान लो कि एक जगह ऐसा लिखा है 2 raised to 1 by 5 plus 3 raised to 1 by 10 होल रेस टू 50. इसको अगर तुम बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे तो कितना टर्म्स आएगा? 51 टर्म्स आएंगे. तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. रेडिकल साइन का क्या मतलब होता है? रेडिकल टर्म्स क्या होते हैं? मतलब जैसे पावर है. हाँ मतलब जैसे मान लो ए रेस टू वन बाय एन टाइप की चीज, मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ऐसे टाइप की चीज. यस हाँ बोलो सर. ऐसा भी चलेगा ना कि 2 का स्क्वायर आया पर वो 4 होगा? हाँ नहीं तो वो रेडिकल टर्म नहीं है. मतलब समझा नहीं मैं. नहीं मतलब वो रैशनल टर्म चलेगा. क्या बोल रहे हो सर? मैं बोल रहा हूँ कि पावर में जैसे कि स्क्वायर और क्यूब आए तो फिर वो तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, वैसे चलेगा ना? हाँ मैं पहले रेडिकल टर्म्स होते क्या है वो बता रहा हूँ. रेडिकल टर्म्स मतलब ए रेस टू वन बाय एन टाइप का होता है रेडिकल टर्म्स, और ये सब इरेशनल टर्म्स होते हैं.
ठीक है, जैसे मान लो 2 raised to 1/3 या 5 raised to 1/2 या 6 raised to 1/8 कुछ ऐसे टाइप की चीज। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल टर्म्स। So I want the number of terms which are free from radical sign. मतलब ऐसे terms नहीं आने चाहिए, ये चीज power में ये सब fractional power नहीं आने चाहिए। ठीक है, power should not be fraction, power should be an integer, power should be an integer. तो मैं क्या करता हूं कि इसका टी आर प्लस वन लिख लेता हूं, दैट विल बी 50 CR 2^5 होल रेस टू 50 - R इनटू 3^2 बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर बाय आर। तो 50 CR 2^5 × 3^10। ठीक है, अच्छा कभी भी जो एन सी आर वाली क्वांटिटी होती है ना, जैसे 50 CR या कुछ भी हो, ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है, हमेशा ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। पर नीचे तो डिवाइड में फैक्टोरियल्स रहते हैं, वहां पे भले कुछ फैक्टोरियल्स डिवाइड में होते हैं लेकिन वो लोग क्या होते हैं, वो लोग कैंसल हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखेंगे। ये जो है नंबर ऑफ वेज बताता है ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, और नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से कोई काम किया जा सकता है वो तो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में हो सकता है क्या नंबर ऑफ वेज? तो खैर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस अभी फिलहाल ये समझ लो कि 50 CR इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि 2 का जो पावर है और 3 का जो पावर है ये दोनों के दोनों एक इंटीग्रल पावर हो। सर 5 होगा, देखते 10 होगा। तो व्हाट आई वांट, 50 - R/5 दैट शुड बी एन इंटीजर एंड R/10 दैट शुड आल्सो बी अनदर इंटीजर। ठीक है, अच्छा 50 CR को देख के बताओ कि R की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2 till 50 तक हो सकती है। Yes. R की वैल्यू यही हो सकती है, 0, 1, 2 till 50 तक हो सकती है, है ना? Okay, good. अच्छा, 50 - R/5 should be an integer. It means 50 - R should be a multiple of 5. Yes. या a divisible by 5, जो भी कहो तुम। तो अब बताओ R की वैल्यू मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ, 0 पुट कर सकता हूँ, 0 पुट करने पे 50 बनता है, 11 वैल्यूज पुट कर सकते हैं, फिर 5 पुट कर सकता हूँ, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड इवन 50 भी पुट कर सकता हूँ। हाँ सर, क्योंकि R की वैल्यू 50 पुट करने पे ये 0 बनता है एंड 0/5 इज 0 which is an integer. तो मैं यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे R की कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ 10 कर सकता हूँ, हाँ मल्टीपल ऑफ 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50 है ना, यहाँ पे मैं ये R की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अच्छा हम लोग को वो R की वैल्यू चाहिए जो इस में और इसमें दोनों में लाइक करे, इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, देखो 0 इधर भी है
10 इधर भी है 20 30 40 और 50 40 एंड 50 ठीक है सो व्हाट कैन आई से आई कैन से दैट desired value of R for which we obtain rational number. देखो free from radical sign होने का क्या मतलब है कि rational number वो क्या क्या होगी 0, 10, 20, 30 40, 50 मतलब 6 होंगी इसकी बात सबको समझ में आई यस सर यस सर तो ऐसे 6 आर की वैल्यू होंगी जिसके कारण रैशनल आउटपुट आ रहा होगा तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे 6 नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे 6 अच्छा ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 51 थे तो जो बाकी के बच्चे वो क्या हुए रेडिकल इरेशनल या व्हिच कंटेन्स रेडिकल साइन या इरेशनल टर्म तो इरेशनल टर्म्स कितने हो गए हमारे 51 माइनस 6 व्हिच इज 45 बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि यहाँ पे वो 50 लिख देते हैं क्यों क्योंकि वो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पावर 50 है पावर तो 50 है लेकिन सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 51 होंगे ना yes. पावर 50 है तो सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स 51 होंगे ठीक है तो एक बार जल्दी से कमेंट करो ये बात क्लियर है यस yes. यस बोलो भाई ओके तो एक क्वेश्चन अब सिमिलर टाइप का तुम लोग कर लो क्वेश्चन है 2 raised to 1/3 प्लस 3 raised to 1/2 होल रेस टू से 50 फाइंड नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन अबव एक्सपेंशन Find number of what? Irrational terms in above expansion. सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेके वो निकाल सकते हैं
सर 8 टर्म्स कितने आ रहा है 8 इरेशनल पूछा गया उसका उल्टा होगा शायद सर 53 टर्म्स 53 कहां से हो जाएंगे भाई टोटल 51 सर 43 करेक्ट है सर 42 42 आ रहा है यस सर 42 यस सर 43 आ रहा है चलो सो लेट्स डू इट बाकी सब लोग भी आंसर दो कोई आंसर ही नहीं देता तीन चार बजे पे आंसर दे रहा है और मेरे को 44 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स ही निकालेंगे जैसे टी आर प्लस वन जो है वो क्या आएगा 50 सी आर 2 टू द पावर 50 माइनस आर अपॉन 3 एंड 3 टू द पावर आर अपॉन 2 ठीक है तो अच्छा आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है 0 से लेके 50 तक ये याद रखा अब हम लोगों को क्या चाहिए 50 माइनस आर That should be a multiple of 3 and R should be even number दूसरे वाले से एक तरीके से तो अब जैसे पहले तो R की वैल्यू तुम क्या पुट कर सकते हो पहली R की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो ताकि 48 बन जाए 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 0 पुट करने पे तो 50 बन जाता और 50 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 अब इसमें तीन तीन ऐड करते जाओ इसमें तीन तीन ऐड करते जाओगे तो 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. अब इधर R इवन आता तो हम लोग को क्या करना होता इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ता तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसी में जो इवन नंबर्स हैं उसको देख लेते हैं तो एक 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा 14 हो जाएगा 20 हो जाएगा कुछ गलत कर दिया 23 के बाद 27 नहीं आएगा हाँ ए पी जैसा ही बनेगा वो छः के डिफरेंस वाला 44 50 कितने हुए 3 2 5 तो 9 तो आर 9 9 आर के लिए रैशनल आएगा हम लोग को तो इरैशनल फाइंड करना है ना तो इरैशनल कितने हो जाएंगे टोटल से 51 माइनस 9 विच इज 42
सर वो 50 वाला नहीं लिया था मैंने, इसलिए 40 लिया सर मैंने भी ना। सर मेरा गलती से सही आया। चलो समझ में आया सर? यस सर, पर हमेशा हमें इतने सारे टर्म्स लिखने पड़ेंगे क्या? नहीं नहीं तुम ऐसे भी सोच एपी बना देंगे कि तुम ऐसे सोच सकते हो, मतलब जैसे 3 और अरे यार जैसे ये 3 है और ये 2 है, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। 6 3 और 2 का एलसीएम जो होता है वो 6 होता है। अब पहला जो है मैनुअली निकाल लो कॉमन टर्म, जैसे 2 जो है वो पहला मैनुअली कॉमन टर्म आ गया सर, फिर एपी और लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा। हाँ फिर 2 फिर 6 से बढ़ाते जाओ, 2 8 14 20 जैसे एपी मैंने किया था। हाँ सर और एक लास्ट टर्म कॉमन पता होना चाहिए बस। हाँ सर। हाँ हमने ये आर के इतने सारे वैल्यूज क्यों लिए, मैं अभी भी नहीं समझा क्या ये आर के इतने जो 258 लिया वो क्यों लिए, मुझे अभी भी नहीं समझा। आर की ये जो वैल्यूज ली वो इसके लिए ली कि 50 r/3 के लिए ली, कि 50 r × 3 बन जाए। तो पहले आर की वैल्यू 2 पुट की तो उससे 48 बन जाता। हाँ। जो कि 3 से डिविजिबल है। अब 3-3 से बढ़ाते जाओगे तो वो सारे आर आ जाएंगे जिसके कारण 50 r × 3 होंगे। तो दूसरा केस मेरे को यहाँ पे लेना पड़ता कि आर इवन नंबर है। हाँ तो हमने इवन नंबर्स चूज किए, तो हमने इसमें से ही वो लिखने के बजाय इसमें से ही वो इवन नंबर्स चूज कर लिए। हाँ आप समझा आप समझा, ठीक है। चलो सर जब हमने एलसीएम लेके ट्राई किया तब सारे रिक्वायर्ड वैल्यूज सिर्फ वही आए क्या? हाँ जो रिक्वायर्ड है केवल वही आएंगे। जैसे देखो ना एलसीएम लेके मैंने जो लिखा वो 2 8 14 20 लिखा और देखो वही लाइन से येलो भी हुआ है। हाँ सर तो वही रिक्वायर्ड आएंगे। Okay, चलो आगे बढ़ा जाए अपने। अब देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है देखो कि 1 + 2x + x³ whole raised to 10, ठीक है, मतलब यहाँ पे अब ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स आ गए। देन फाइंड एक्सपोनेंट, सॉरी एक्सपोनेंट नहीं, फाइंड क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x^8 इन अबव एक्सपेंशन, देन फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x^8 इन अबव एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनते जाओ, थोड़ा सा इसमें पेशेंस रिक्वायर्ड होगा और लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उसका थोड़ा नॉलेज रिक्वायर्ड होगा। अब देखो वैसे तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है अंदर जो है 2 टर्म्स होते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं क्या? नो सर। नहीं 3 टर्म्स हैं, तो इसको डायरेक्टली एज सच बाइनोमियल थ्योरम से तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मल्टीनोमियल थ्योरम होता है जो हम लोग इस चैप्टर के बाद पढ़े, मतलब सॉरी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में,
ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको बाइनोमियली सॉल्व करना चाहूं तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से कैसे सॉल्व करना चाहूं वो सोचूंगा। तो अगर मेरे को बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व करना है तो ब्रैकेट के अंदर मेरे को दो ही टर्म चाहिए, इसका मतलब मैं क्या सोचूंगा कि कोई दो टर्म के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल यूनिट मान लूं। यस सर। अब देखो मैंने क्या किया कि जो हायर डिग्री वाला टर्म होता है, जैसे यहाँ पे हायर डिग्री वाला टर्म कौन सा है, एक्स क्यूब, तो उसको अकेला रखते हैं, हायर डिग्री वाले टर्म को अकेला रखते हैं और राइट हैंड साइड रखते हैं और इन दोनों को एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं। जैसे मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। क्या बात ध्यान में रखने को बोली, हायर डिग्री वाले टर्म को सिंगल यूनिट मानना है एंड ऑन राइट हैंड साइड प्लेस करना है। ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड प्लेस करना, साउंड बंद करो भाई, एंड ऑन राइट हैंड साइड वी हैव टू प्लेस। अब देखो इसको मैं बाइनोमियली एक्सपेंड करूंगा, सो जैसे बाइनोमियल थ्योरम लगाते थे वैसे लगाएंगे। तो पहले ऐसे लिखे, 10c0 a रेस टू 10 होता है, तो 1 प्लस 2x होल रेस टू 10 प्लस 10c1 1 प्लस 2x होल रेस टू 9 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको तुम लोग अपने इसमें नोट में लिख लो, मैं रब कर दे रहा हूँ क्योंकि उसके बाद 10c2 1 प्लस 2x होल रेस टू 8 इंटू एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 10c3 1 प्लस 2x होल रेस टू 7 इंटू एक्स क्यूब का होल क्यूब एंड ऐसे डॉट 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 लिख दिया। पहले इतना एक्सपेंशन समझ में आया सबको? यस यस सर। इसमें किसी को डाउट है ईमानदारी से बताना। किसी को भी, किसी बच्चे को डाउट है इसमें? सर एक बार फिर से बताओ ना आपने क्या किया इधर। मैंने जैसे बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं ना वैसे एक्सपेंड कर दिया, जैसे इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो पहले लिखा 10c0 a रेस टू दिस माइनस दिस 10 माइनस 0 10 प्लस 10c1 फिर ए की जगह तो 1 प्लस 2x है होल रेस टू 10 माइनस 1 9 फिर बी रेस टू 1 मतलब एक्स क्यूब रेस टू 1 प्लस 10c2 ए रेस टू 10 माइनस 2 विच इज 8 इंटू एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। आया? यस सर। पक्का? ओके, अब मेरा एम क्या है, मेरा एम है एक्स रेस टू 8 के कोफिशिएंट को जनरेट करना। अच्छा क्या ये वाला जो अभी बस इस पे फोकस करो, क्या ये जो ब्रैकेट है ये एक्स रेस टू 8 जनरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस सर, कर सकता।
कर सकता है। उसको करने के लिए इस यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, याद है? यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए था। इस 2x का क्या करना पड़ेगा, क्या पावर करना पड़ेगा? 8 करना पड़ेगा। और जो पावर करना पड़ता है शायद वही r की वैल्यू होती है क्या? यस सर। यस, तो हमको पता चल गया यहाँ पे हम लोग को r की वैल्यू 8 लेनी है, ठीक है? दृश्य तुमको आया समझ में? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे x क्यूब पहले से है एंड द एम इज टू फाइंड x रेस टू 8। इसका मतलब इस ब्रैकेट से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, x रेस टू 5 एक्सपेक्ट करूंगा। Yes, क्या ये ब्रैकेट x रेस टू 5 जनरेट कर सकता है? यस सर। यस कर सकता है। उसके लिए इसका कितना पावर रेस करना पड़ेगा? 5। और जो पावर रेस करते हैं वही क्या r की वैल्यू होती है क्या? इसका मतलब यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। अच्छा, यहाँ पे x क्यूब का होल स्क्वायर है, इट मींस यहाँ पे x रेस टू 6 है। मतलब हम लोग यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे? x स्क्वायर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो 2x का क्या पावर करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अच्छा, यहाँ पे x रेस टू 9 है, तो यहाँ से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? x रेस टू माइनस वन। और x रेस टू माइनस वन के लिए r का वैल्यू माइनस वन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। r का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। NCR में r एक होल नंबर होता है और n एक नेचुरल नंबर होता है। या तुम बहुत ही लॉजिकली सोच सकते हो कि भाई ये डिग्री 9 तो पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर जो है वो डिग्री 7 का पॉलीनोमियल है, तो वो मल्टीप्लाई होके उसको बढ़ाएगा कि घटा देगा? बढ़ाएगा सर, बढ़ाएगा ही। तो अब हमको बात ये समझ में आ रही है कि भाई इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है। फिर इधर जो है वो x रेस टू 12 बन जाता, तो उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, आगे वाले का भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है? तो x रेस टू 8 जनरेट करने में किसका किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? इन तीनों का, फर्स्ट थ्री टर्म्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग ऐड कर देंगे। अब बारी बारी सोचो, बस इसके फर्स्ट वाले के बारे में सोचो तुम। सर ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, फर्स्ट वाले के बारे में, जब तुम फर्स्ट वाले के बारे में सोच रहे होगे तो सेकंड और थर्ड के बारे में नहीं सोचना है। फर्स्ट वाले के बारे में बाहर एक टेंसी जीरो है, तो टेंसी जीरो लिख लिया। हम लोग को बस कोफिशियंट पे ही ध्यान देना है। एक्स आर तो उस हिसाब से लिया ही है ताकि वो एक्स का पावर जनरेट हो जाए। Yes. अब यहाँ पे आर की वैल्यू 8 है, आर की वैल्यू 8 है, मतलब तुरंत समझ में आ गया कि हमको टेंसी 8 लिखना है। की 1 का कुछ भी पावर लिखो, फर्क ही नहीं पड़ना है। 10 - 8 = 2 का पावर 8। समझ में आई बात? यस सर। बाकी लोग? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। ओके, तो थोड़ा और स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, अब दूसरा वाला, इसका हम लोग लिखेंगे। तो पहले जितने बाहर वाले थे उसको, जैसे 10C1 ये बाहर वाला था, इसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर जो है 9 है और r जो है 5 है, मतलब मेरे को 9C5 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 10C8 लिखा था, यहाँ पे 9C5 लिखना पड़ेगा। और 1 का कुछ भी पावर करोगे फर्क ही नहीं पड़ता, 2 का पावर 5, उसका पावर 5। ठीक, अब तीसरे की बारी है, इसकी बारी है।
तो तीसरा देखो बाहर tan c2 तो लिखा ही है, तो tan c2 लिख लिया। फिर यहाँ पे ऊपर 8 है और नीचे 2 है, 8c2, तो 8c2 और 2 का पावर, इसका पावर आ रही होता है ना, तो 2 का पावर 2, सो दिस विल बी व्हाट द कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू 8। इसको तुमको सिंप्लीफाई नहीं करना है, यू डोंट नीड टू सिंप्लीफाई दिस, यही हमारा आंसर है। अंडरस्टूड? पूरा प्रोसीजर क्लियर है कैसे हो रहा है? एक बार सब लोग चैट बॉक्स में लिखो कि समझ में आया कैसे करना है। सर बस मुझे कंफ्यूजन इसमें हो रहा है कि आपने ये जो 10c0 के बाद जो हर एक ऐसे पहले तीन ब्रैकेट टर्म्स के लिए r की वैल्यू डिफाइन कर दी, वो कैसे की? r की वैल्यू डिफाइन करने के लिए तुम ऐसे सोचो, जैसे मैं इसको दिखाऊं अगर तुमको, सेकंड टर्म बना था 10c1 1 plus 2x होल रेस टू 9 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, ये सेकेंड टर्म था, ये वाला टर्म आप जगह में दिखाता हूँ। सो आर की वैल्यू कैसे डिफाइन की ये सोचना है। तो देखो हमारा एम, एम याद रखो, एम क्या है, एक्स रेस टू 8 जनरेट करना। एक्स क्यूब पहले से मिल गया है, मतलब यहां हाँ। से हमको क्या चाहिए, x रेस टू 5 डिजायर कर रहे हम लोग, तभी जाके x रेस टू 8 मिलेगा। अब फिर ये सोचना है कि इसका मैं क्या पावर रेस करूं जिससे x रेस टू 5 बने, तो इसका मैं 5 पावर रेस करूंगा तभी x रेस टू 5 बनेगा। हाँ तो r 5 बनेगा, इसलिए r 5 हो गया। अच्छा समझ गया सर। शॉर्टकट मेथड होता है जिसमें वो मल्टीनोमियल थ्योरम से होता है थोड़ा शॉर्टकट मेथड, लेकिन उसमें भी मतलब ये सब टर्म्स तुमको दिखेंगे, मतलब मल्टीनोमियल थ्योरम में भी ये और ये दिखेंगे। यस सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि मल्टीनोमियल थ्योरम से जो है एक सिंगल टर्म में रिड्यूस होकर आंसर आ जाए। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लंबा सिंप्लीफिकेशन बनेगा, तो वी डोंट डू दैट। अच्छा अब कोई मेरे को ये बता सकता है क्या कि मैंने एक्स क्यूब को ही सिंगल क्यों लिया और उसको राइट हैंड साइड क्यों रखा, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसको सिंगल क्यों लिया और उसको राइट हैंड साइड क्यों रखा? सर सिंपल एक्सप्रेशन आएंगे। कंपैरेटिवली नहीं, और कोई आंसर? सर क्योंकि मैक्सिमम पावर जल्दी आ जाता। हाँ देखो जैसे हमारी जो सीरीज है वो जल्दी खत्म हो जाएगी, तुम ऐसे समझो, मतलब तीन ही टर्म्स रिक्वायर्ड है तो बहुत तेजी से पावर्स बढ़ रहे हैं बाहर। एक बार बाहर x का मतलब यहाँ पे कोई भी x क्यूब का टर्म नहीं है, फिर यहाँ पे तीन बढ़ गया सीधे, यहाँ पे तीन और बढ़ गया, मतलब तीन तीन के डिफरेंस में बढ़ रहा है। तो जितनी तेजी से बढ़ेंगे उतनी जल्दी हमारे हम लोग अपने टारगेट के करीब पहुंचेंगे, समझे? नहीं भी समझ में आ रहा मान लो तो कम से कम ये तरीका तो याद रख लिया। क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन तुम लोग को करना है।
find coefficient of x raised to 4. पूरा इवैल्यूएट मत करना, बस जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको लिख के छोड़ देना. कितने टर्म्स आएंगे? सेवन टर्म्स कहाँ से आ जाएंगे? दो आया. टू टर्म्स. तो देखो, इसको एक सिंगल यूनिट मान लिया और इसको एक यूनिट मान लिया. ये क्या बन जाएगा? 10c0 2 + 3x होल रेस टू 10 +10c1 2 + 3x whole raised to 9 into 4x³. अच्छा, जो next term बनता उसमें x raised to 6 बन जाता. 4x³ का whole square हो रहा होता जो next term होता, जो कि x raised to 4 से बड़ा है. तो next term को neglect कर दिया, उसके onwards वाले जो भी terms है वो neglect हो गए. अब हमारा aim क्या है? x raised to 4 generate करने का aim है भाई. तो यहाँ से x raised to 4 generate करने के लिए बोलोगे क्या हुआ? नेगलेक्ट क्यों किया, वापस बोलोगे प्लीज? नेगलेक्ट इसलिए किया क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म होता उसमें 4x³ का होल स्क्वायर आ जाता. मतलब ये खुद एक्स रेस टू 6 हो गया. और हम लोग को तो एक्स रेस टू 4 चाहिए ना. यस सर. मतलब तुम ये समझो ना, ये एक बड़ा पावर है, ये इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होके और बड़ा डिग्री बनाएगा और हम लोग को तो छोटा चाहिए, इसलिए नेगलेक्ट कर दिया. हाँ, सो अब इसी ब्रैकेट के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है x रेस टू 4 की. तो इसका मैं क्या पावर रेस करूं जिससे r की वैल्यू आ जाए 4? तो इसमें r की वैल्यू तुम्हारी 4 आ जाएगी क्योंकि इसका तुमको पावर 4 रेस करना है. यहाँ पे 4x³ है तो यहां से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे x. वी विल बी एक्सपेक्टिंग x. सो यहाँ पे मैं इसका क्या करूं? इसका पावर 1 रेस करूं. ठीक है, तो इसमें r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. बस काम हो गया हमारा.
तो अपना जो आंसर है वो हो गया 10C0 इंटू 10C4 इंटू 2 raised to 6 3 raised to 4 प्लस बाहर वाले को पहले मल्टीप्लाई कर लिया 10C1 इंटू 4 इंटू, अब यहाँ पे आर की वैल्यू 1 पुट करनी है तुमको, 9C1 2 raised to 8 इंटू 3 raised to 1 ठीक है, यही जो वैल्यू होगी वही हमारी आंसर होगी। ठीक है सर, एक बार आप बताओगे क्या वो हायर डिग्री को राइट में क्यों लेते हैं? क्या वो हायर डिग्री को राइट में इसलिए लेते हैं क्योंकि वो बहुत तेजी से बढ़ता है, 4x³ whole raised to 1 होता, फिर 4x³ whole raised to 2 मतलब वो x raised to 6 बन जाता, तो x क्यूब से डायरेक्टली x raised to 6 जंप कर गया मैं, इसलिए हायर डिग्री को राइट हैंड साइड लेते हैं अपने। ओके सर, थैंक यू सर। 7 टर्म्स होने चाहिए ना? 7 टर्म्स क्यों होंगे? हाँ सर, आपने शायद कुछ स्किप किए सर। कुछ भी स्किप नहीं होगा सर, ये फर्स्ट टर्म है ना, 2 + 3x, ये तो सर x^4 देगा ना क्या? हाँ सर, तो अभी 10C2 और 2 + 3x whole raised to 8 आएगा, तो उधर से, अरे सुन तो बेटा, हाँ नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, तो x क्यूब भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ, 10C2 2 + 3x whole raised to 8 फिर यहाँ पे 4x³ whole square हो गया ना, मतलब यहाँ पे x^6 पहले से ही मौजूद है और हम लोग, और ये तो ये कैसा एक्सप्रेशन बनेगा तुम सोचो ना, ये ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, सम कांस्टेंट प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग एक्स स्क्वायर, ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा। तो तुमको लग रहा है क्या कि इनको मैं मल्टीप्लाई करके x^4 बना सकता हूँ कभी भी? समझे? यस सर। तो जब ये वाला बंदा, जैसे ये जो बाहर मल्टीप्लाई होने वाला बंदा है, वो रिक्वायर्ड पावर से ज्यादा हो जाए तो हमारी गाड़ी वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। ये कुछ ऐसे टाइप की चीज हो गई, जैसे तुम्हारा फ्रेंड है वो 100 रुपया खर्चने को तैयार है, तुम और तुम्हारे फ्रेंड कहीं खाने गए और वो 100 रुपये खर्चने को तैयार है और कुछ आइटम आया से 70 रुपये का, तो क्या तुमको कुछ देना पड़ेगा? क्या नहीं देना पड़ेगा? क्या झंडू लॉजिक का? खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 3x + 4x³ whole raised to 20 फाइंड कोफिशियंट ऑफ x^58 फाइंड कोफिशियंट ऑफ x^58
ओके चलो इसको करते हैं। अब देखो जैसे अगर हम लोग से पूछे कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा तो बताओ क्या कहूँगा मैं, ये कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का। और किसका कोफिशिएंट पूछा गया है? x रेस टू 58 का, मतलब 60 के वो करीब है, लेकिन वो मतलब एक्सट्रीम राइट में है एक तरीके से, ये सोचे इसलिए 4x क्यूब को लेफ्ट में लेंगे। हाँ इस बार हम लोग क्या करेंगे, 4x क्यूब को अकेले तो रखेंगे और 2 प्लस 3x को एक साथ रखेंगे, लेकिन उसको लेफ्ट में रख के चलेंगे हम लोग, ठीक है? ये एक यूनिट और ये एक यूनिट, तो ये क्या बन जाएगा? देखो पहले लिखेंगे 20c0 4x क्यूब होल रेस टू 20, फिर 20c1 4x क्यूब होल रेस टू 19 इंटू 2 प्लस 3x होल रेस टू 1 प्लस 20c2 4x क्यूब होल रेस टू 18 इंटू 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है? अच्छा अपना एम क्या है? अपना एम तो x रेस टू 58। हाँ लेकिन आपने अभी कुछ ही देर पहले बोला कि हायर टर्म वाले को आइसोलेट करना है, आपने तो उसको पहले ही ले लिया। हाँ तो हायर टर्म वाले को आइसोलेट तो किया ना मैंने। हाँ वो तो है, लेकिन हम अभी तक वैसे बाइनोमियल टाइप के उस टर्म को लेके उसका आर ढूंढ रहे थे ना। हाँ उसमें क्या होता था ना कि जब जैसे x का पावर 0 के करीब हो, जैसे हम लोग ने x रेस टू 4 का ढूंढा था, फिर एक एक्स रेस टू 8 का ढूंढा था, तो उसमें हम लोग हायर डिग्री को राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और जब एक्स का पावर हाईएस्ट डिग्री के करीब पूछा जा रहा हो तब हम लोग हायर डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ओ अच्छा ठीक है, ठीक है सर, फिर ठीक है सर। ओके अब इसको ऑब्जर्व करो जरा तुम लोग। तो अब देखो पहला टर्म, तो एकदम से x रेस टू 60 है, केवल x रेस टू 60 टाइप का है, मतलब वो तो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता x रेस टू 58, द एम इज x रेस टू 58। अच्छा दूसरे टर्म में ये x रेस टू 57 है और यहां से हम लोग को x रेस टू 1 चाहिए, तभी तो x रेस टू 58 होगा, तो क्या ये x रेस टू 1 दे सकता है? Yes. ये ब्रैकेट yes. इसके लिए इसका क्या करना पड़ेगा? पावर 1 करना पड़ेगा, है ना? तो इसमें r की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखो यहां पे x रेस टू 54 है, तो यहां से हम लोग को एक तरीके से x रेस टू 4 चाहिएगा, नहीं मिलेगा क्योंकि नहीं मिल सकता, क्योंकि जब 2 प्लस 3x के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो ये x स्क्वायर तक ही जा सकता है, है ना? तो x रेस टू 4 तो वो नहीं बना सकता, तो क्या हो गया कि यहां से पॉसिबिलिटीज खत्म होने लगी तुम्हारी, ठीक है? तो जो हमारा बस यही आदमी है जो भला करने वाला है हमारे लिए, ठीक है? तो अब इससे हम लोग कोफिशिएंट तुरंत लिख लेते हैं, इससे क्या आएगा? 20c1 इंटू 4 रेस टू 19। अब देखो यहां पे पावर इंटू 3 रेस टू 1, 2 रेस टू 0 होता, 2 रेस टू दिस माइनस दिस करते 0,
इंटू थ्री रेस टू वन. अच्छा वन सी वन क्या होता है? वन सी वन इज नथिंग बट वन ही ओनली, मतलब एन सी एन जो होता है वो वन ही होता है. तो ट्वेंटी सी वन मतलब ट्वेंटी इंटू फोर रेस टू नाइनटीन इंटू थ्री या सिक्सटी इंटू फोर रेस टू नाइनटीन. यस आदित्य का सही आ गया. हमने 1C1 क्यों लिया? 1C1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू भी 1 है और r की वैल्यू भी 1 है. अच्छा समझ में आया सबको? यस सर. अटेंडेंस कम हो गई, 52 से 44 हो गई, 55 से कम हो गए सर. हाँ बहुत कम हो गए. जब क्लास स्टार्ट किया दोस्तों 55 56 था कुछ, थक जाते होंगे सर. तो क्या चलो ठीक है. ओके सो आई होप इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा. यस सर. कैसे करना है हम लोग को ये सब टाइप के सर? कुछ अरिहंत में से एग्जांपल्स देखना स्टार्ट करें क्या? अरिहंत में से कुछ एग्जांपल्स देखना स्टार्ट करो तुम लोग थोड़ा बुक में से. सर वो रीडिंग सर और बुकलेट में से कुछ बुकलेट में से इलस्ट्रेशन. हाँ इलस्ट्रेशंस वगैरह देखो और स्टेट लेवल देखो. जो कल मैंने मतलब जो मैंने कल होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट कर लो सबसे पहले. तो yes, जो होमवर्क थे उसमें एक तो 40 से 70 वाला कुछ था और दूसरा होमवर्क जो था वो एक बुक का कैम स्कैनर वाला था. सर कौन सी बुक थी वो? एक थी पियर्सन की बुक थी. वो तो सॉल्व हो गया बुक वाला. हाँ तो उन दोनों को कंप्लीट कर लो फिर उसके बाद जो है कल भी मेरा क्लास है ही शायद. तो सर कल जो है हम लोग और पढ़ेंगे और फिर उसके बाद और होमवर्क देता हूँ मैं. सर मतलब अभी अरिहंत वगैरह नहीं देखा चलेगा ना? पहले वो होमवर्क करें. दूसरा ओम दूसरा नहीं मिला मतलब दूसरा मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया है ना कैंस के अंदर करके. ठीक है और क्या करो कि बुकलेट से जो है क्या करोगे? चलो ठीक है अब कल पढ़ाने के बाद ही मैं बताता हूँ. ठीक है चलो. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू. बाय बाय. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय बाय सर. बाय सर.